दोस्तों, दूसरा नवरात्र माँ दुर्गा के स्वरूप ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी का मनाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा मनुष्य को जीवन के कठिन क्षणों में संबल बनने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालयन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और जब उनके विवाह की बात चली तो एक दिन नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, नारायण नारायण, हे माते, आपके घर में आपके विवाह की बात चल रही है, किन्तु मैं यहाँ आपको ये अवगत कराने आया हूँ कि आप पिछले जन्म में सती थी और आप भगवान शिव की अर्धांगनी थी। आपके देह त्याग करने के पश्चात भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। हे माते, इस संसार के कल्याण तथा महादेव की तपस्या को समाप्त करने के लिए आपका भगवान शिव से विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। तब माता कहती हैं, हे ऋषिवर, आपने मुझे इस बात से तो अवगत करा दिया, किंतु महादेव को मैं कैसे पा सकती हूँ, इसका ग्रहण तो आपने किया ही नहीं। तब नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, माता आप तो स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण है और आप ये भली बात ही जानती है कि महादेव को पाना ना भी सरल नहीं है, उसके लिए तो आपको तपस्या करनी होगी। आपकी तपस्या ही फिर से महादेव को प्रकृति के समीप ले आएगी। महादेव से विवाह करने के लिए जब माता अपने माँ और पिताजी से आज्ञा लेती है तब उनकी माँ कहती है, हे पुत्री, महादेव ही क्यों, इतनी कठिन भक्ति के लिए मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे दूँ, मैं तुम्हारे लिए उनसे भी अच्छा वह योग्य वर ढूंढ लूंगी। और उनके पिता कहते हैं, पुत्री, हम तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकते। तब माता कहती है, माता पिताजी, मैं पिछले जन्म में महादेव थी और ये जन्म में भी मैं महादेव की अर्धांगिनी बनूंगी। इसके लिए मैं भगवान महादेव की कितनी भी कठिन उपासना कर सकती हूँ, मुझे मेरे कर्तव्य से ना रोकिए। आप दोनों मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी तपस्या में सफल हो सकूं। माँ को अपने वचनों पर अड़ित देखकर उनके माता पिता ने उन्हें तपस्या की आज्ञा दे दी। भगवान महादेव के बारे में सब जानने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी उपासना में बैठ गई और लगातार 1000 वर्षों तक वो महादेव की तपस्या करती रही। माँ को कन्या के रूप में महादेव की तपस्या करते देख ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ता है। वो वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खा कर ही भगवान शिव की आराधना करती है। फिर वर्षों बाद वो पत्ते भी खाना छोड़ देती है, जिससे माँ का एक नाम अपर्णा भी पड़ता है। माँ इतनी कठिन तपस्या कर रही थी कि उनका शरीर एकदम क्षीण हो जाता है। ये देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो जाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ माँ के पास आते हैं और कहते हैं, हे माते, आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं, इतना कठिन तप और तपस्या आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं किया है, आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा, किंतु हे माती, आप बहुत ही निर्बल हो गई हैं। भगवान शिव चंद्रमौलि रूप में आपसे विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। तब माता कहती हैं, हे ब्रह्मदेव, मैंने जब उपासना का संकल्प लिया था तो मैंने ये प्रण भी लिया था कि जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे इस तपस्या से नहीं रोकेंगे, मैं तब तक ये तपस्या बंद नहीं करूंगी। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, किंतु हे माते, आप इतने अत्यंत दुर्बल शरीर के साथ उपासना कैसे कर पाएंगे। मैंने आपके माता पिता को संदेश भिजवा दिया है, वो किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको ले जाएंगे। तब माता कहती है, मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगी जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं दे देते। माँ अपने माता पिता को भी यही बोलती है तथा उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। फिर वो वर्षों तक इसी तरह भगवान शिव की उपासना करती रही और एक दिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देकर कहते हैं, हजारों वर्षों की तुम्हारी कठिन तपस्या ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तब माता कहती, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई महादेव, किंतु जब तक आप मुझे आश्वासन नहीं दिला देते कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तब शिव जी कहते हैं, तुम्हारी कठिन भक्ति को देखने के बाद मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। तुम्हारी इस कठिन भक्ति के लिए तुम सदा अपने भक्तों के बीच ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हारे इस रूप की पूजा जो कोई भी व्यक्ति देखता या गंधर्व करेगा, उसका मन कठिन संघर्षों के बीच भी कभी विचलित नहीं होगा। भगवान शिव के दर्शन देने पर सभी देवी देवता भी वहां उपस्थित होते हैं और भगवान शिव जी से आग्रह करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी माँ से विवाह करके पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी अपने घर लौट आती है और कुछ समय पश्चात भगवान शिव का विवाह उनके साथ हो जाता है। माँ की हर रूप की अपनी एक अलग ही महिमा है जो हमें कठिन से कठिन समय पर विचलित ना होने का संदेश देती है तथा अपने कर्म को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य भी देती है। और जो भक्त माता का स्मरण दिल से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन पूछे जाने वाले माता की कथा हम जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद।